बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य आरजी आनंद हिमाचल दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन आरजी आनंद ने नाहन में बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर जिला के अधिकारियों एवं बाल संरक्षण से जुड़े स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ चाइल्ड हेल्पलाइन व बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आरजी आनंद ने कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पहले चरण में हिमाचल के 8 जिलों का चयन किया गया है और यहाँ की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वे हिमाचल दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के मद्देनजर सिरमौर जिला में बेहतर कार्य हो रहा है। उन्होंने बाल संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों के लिए जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर में बाल मजदूरी बाल विवाह पोस्को एक्ट को लेकर भी आयोग द्वारा खुद स्थिति का अवलोकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि कैसे देश भर में लोगों को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके, ताकि देश और प्रदेश के दूरदराज इलाकों में रहने वाले बच्चों की स्थिति को भी सुधारा जा सके। बैठक के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिकारी व कर्मचारी गंभीर रहें। वी आर मॉनिटरिंग द चाइल्ड फ्रॉम द बॉटम आल्सो इन द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। एज अ पार्ट ऑफ दिस देयर इज एन डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर टू इम्प्रूव द फिजिकल क्वालिटी ऑफ life of children. For example, it start with child health, child education, child labor and psychosocial well-being of the children, child psychology and sociology, as well as to prevent the POSCO related cases and to improve the right to education for this. And then it is a district wise NCPCR is planning to travel for in the phase one. We are going to cover 8 states, 8 districts of Himachal Pradesh. So we selected Sirmur as the first district. Place a well recordable and remarkable things both the district administration, especially the DC of this Sirmur district has placed a very good indicator in child health, especially the children living in the tribal area. So this record and all we have pre-finded, as well as that from the statistical data also, the district administration of Sirmur has worked especially for the vulnerable children. They are playing a very good role, as well as the police department also has on various awareness campaigns. Since it is very difficult to have a 7-part river, so somebody this said of each and every children should need to acquire their uniqueness. So I once again, on behalf of National Commission, I, Dr. R.G. Anand, congratulate the district administration for achieving the best indicator in the health. And then we are also targeting the सिरमौर as a child friendly district. PRTV News Bureau Report, नाहन।